हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए। डेरिवेटिव चैप्टर के बहुत सारे ट्रिक्स लेके आए। अब ये क्यों चाहिए हमें? फर्स्ट, इसका यूज़ है डेफिनेटली एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए। तो एमसीक्यूज कौन से? स्टेट बोर्ड में भी सेक्शन ए में एमसीक्यूज आते हैं। देन हम बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, ओके नो? सो वो एनडीए की होगी और नाटा या जेई पार्ट टू, जेई पार्ट वन। तो इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सीईटी होंगी, तो उसमें भी ये सारे ट्रिक्स बहुत काम में आएंगे। यस और नो? स्पेशली एनडीए की, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमें फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जितने आंसर्स दे सकते हैं उतना फ़ायदा हो जाता है। यस और नो? सो वहाँ पे ये सब ट्रिक हमें बहुत ही अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ओके नो? सो देखो क्लास, ट्रिक नंबर वन क्या है। यहाँ पे डी बाई डी एक्स डेरीवेटिव हमें निकालना है और फंक्शन का टाइप देखो कैसा है। ए इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन सी इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस डी, वेर ए बी सी डी ये क्या है? कॉन्स्टेंट है। एंड ये एफ ऑफ एक्स कोई तो एक फंक्शन होगा, तो पैटर्न कैसा है देखो। यहाँ पे जो फंक्शन होगा तो वो लॉग एक्स होगा, साइन एक्स होगा, कॉट एक्स होगा, जो भी होगा, ई रेस टू एक्स होगा। तो वही अगर फंक्शन यहाँ पे होगा तो ही ये टेक्निक हम यूज करेंगे, ओके नो? ए बी सी डी कॉन्स्टेंट होने चाहिए और ये जो फंक्शन है वही फंक्शन यहाँ पे दिखना चाहिए। तो हमने जनरलाइज उसको कैसे बना दिया है? ए इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन सी इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस डी। तो ऐसे टाइप का कभी भी क्वेश्चन दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने देखो एफ ऑफ एक्स की जगह पे लॉग एक्स डाल दिया और ये ए बी सी डी की वैल्यू, ओके नो? यहाँ पे देखो 3 प्लस 40 साइन एक्स, तो यहाँ पे ए इंटू एफ ऑफ एक्स चाहिए ना। तो पहले हम इसको कन्वर्ट कैसे कर लेंगे, इसी क्वेश्चन को हम कैसे लिख देंगे क्लास, डी बाई डी एक्स ऑफ 40 साइन एक्स प्लस 3 अपॉन 1 इंटू साइन एक्स प्लस माइनस 10। तो ऐसे लिखने से क्या हो गया क्लास, मुझे ए बी सी डी की वैल्यू दिखने लगी एंड एफ ऑफ एक्स भी दिखने लगा। तो मैंने उस फैशन में उसको कन्वर्ट कर लिया, तो क्वेश्चन पहले समझ में आने लगा कि कैसे टाइप का क्वेश्चन दिखेगा, तो मुझे ये ट्रिक को यूज करना है। अब वो ट्रिक क्या है वो देख लेते हैं क्लास। तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली बोल दूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी की जो वैल्यू आएगी वो ए बी सी डी की डिटर्मिनेंट, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। हम मनी मन में ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी कर सकते हैं, यस और नो क्लास। इनटू एफ डैश ऑफ एक्स, तो यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमें u बाई v वगैरह ये सब भी प्रॉपर्टी यूज करके हम निकाल सकते हैं, बट वो थोड़ा सा 1.5 या 2 मिनट्स टाइम कंज्यूम करेगा, ये सो नो क्लास, और वो बल्कि भी दिख सकता है। तो ये एकदम परफेक्ट फॉर्मेट में, जैसे ऑप्शन में दिया होगा उसी फॉर्मेट में आपको आंसर मिल जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? फिर से एक बार, क्या हमने बोला, ए बी सी डी कॉन्स्टेंट है और यहाँ पे जो फंक्शन होगा वही फंक्शन यहाँ पे होना चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लिए। तो आंसर क्या आता है, इस ट्रिक का आंसर क्या है बेटा, ए बी सी डी का डिटर्मिनेंट, 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, यस और नो, इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव, होल अपॉन जो भी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, दैट्स इट। मेरा हर एक बच्चा ये ट्रिक को अच्छी तरह से समझ चुका है क्लास। अब उसको अप्लाई करते हैं हमारे प्रॉब्लम्स में। देखो यहाँ पे ए बी सी डी, तो इसका पहले डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 इज 50, माइनस ऑफ माइनस प्लस 64, 50 प्लस 64 कितना होता है 114। तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 114 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, और जो भी डिनोमिनेटर में है माइनस 8 लॉग एक्स प्लस 10 होल का स्क्वायर, दैट्स इट। अरे देखो क्लास, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मेरा बच्चा आंसर दे सकता है अगर उसको ये टेक्निक अच्छी तरह से समझ चुकी है तो। अदरवाइज आप निकाल नहीं सकते, ऐसा नहीं है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लोगे। इज दैट क्लियर टू यू?
पक्का क्लियर है? ओके, ऑप्शंस देख के भी तो आप इससे फास्ट कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो आप थोड़ा कैलकुलेट कर चुके, अदरवाइज ऑप्शन को देख के भी आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो कि हाँ ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, हाँ तो डी है। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, अब इस क्वेश्चन में देखो, इसको हमने ऐसे मॉडिफाई करके ले लिया, तो ये ए है, ये बी सी डी, तो ए इंटू डी -400 -3, मतलब आंसर क्या आ जाएगा? -403। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा? कॉस एक्स होल अपॉन जो भी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर। दैट्स इट, हो गया खत्म। सो मैं कंक्लूड करूं कि ट्रिक नंबर वन मेरा हर एक बच्चा अच्छी तरह से समझ चुका है, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो आपके टेक्स्ट बुक में जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस है आप रीचेक कर लो ना, फटाक से आंसर दे सकते हो। इज दैट क्लियर टू यू? सो एक्सरसाइज में चेक करो, ऐसे टाइप के कहां पे भी क्वेश्चन दिखेंगे, फटाक से आंसर, दैट्स इट। चलो अब ट्रिक नंबर टू देखेंगे, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है क्लास कॉम्पिटिटिव में भी एंड हमारे स्टेट बोर्ड में भी, तो इसको भी डील कर लेंगे, उसमें क्या बात है। f(x)(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 f(x)
टू इन्फिनिटी तो थोड़ा सा टेंशन हो सकता है, आर यू गेटिंग मी। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन को देख के डर सकते हैं। सो यहाँ पे पूरा फोकस कर लो क्लास। ये अप टू इन्फिनिटी होता तो वाई के टर्म्स में लिख सकते हैं, देन लॉग बिग की प्रॉपर्टी यूज करके बहुत ही बल्की आंसर आ सकता है। सो डेफिनेटली 2 मिनट तो मेरे बच्चों को लगेगा। आपको अगर यकीन नहीं हो रहा है तो वीडियो को पॉज करो एंड आपके मेथड से इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करो। सो आपको दिखेगा मिनिमम 3 to 4 मिनट्स तो आप लोगे 2 क्वेश्चन के लिए। आर यू रियली गेटिंग मी? अब देखो इस ट्रिक का जादू यार, आराम से f(x)(f)x)(f)x अप टू इन्फिनिटी तक ऐसा रहेगा। तो हम क्या करेंगे देखो क्लास, dy by dx इज इक्वल टू डायरेक्टली y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस log y। क्या क्या क्या? y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस log y इंटू एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें पता होगी, यहां पे देखो साइन x है तो साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x अपॉन साइन x। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या इस केस क्वेश्चन में, साइन x है तो उसका डेरिवेटिव अपॉन दैट थिंग, दैट्स इट। तो अगर ये टेक्निक ऑप्शन आपको इस फॉर्मेट में दिया होगा तो ये फॉर्मूला यूज करना है, अदरवाइज ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस y इंटू log ऑफ f ऑफ x, y इंटू log ऑफ f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x। आर यू रियली गेटिंग मी? इज दैट क्लियर टू यू? तो जैसे आपको ऑप्शंस दिए होंगे उस हिसाब से आप फॉर्मूला चूज कर लेना, क्लैरिटी है। ओके, तो अब इनके आंसर्स निकाल देंगे, कुछ बड़ी बात नहीं होगी क्लास। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लॉग वाई इंटू एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, या इसको मैं सीधा कॉट एक्स भी लिख सकता हूँ। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, पक्का? ओके, अब नेक्स्ट वाला, यहां पे क्या है, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या है बच्चा, ई रेस टू एक्स, तो हम लिख देंगे क्लास वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लॉग वाई इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स, तो ये ई रेस टू एक्स गेट कैंसिल। सो दिस इज व्हाट अवर फाइनल आंसर। क्लियर है? पक्का बोलो यस? ओके, सो यहाँ से मेरे बच्चों को क्या समझ में आ चुका है कि ऐसे टाइप के इन्फिनिटी वाले अगर क्वेश्चंस दिखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो चुका है क्लास। हमें सिर्फ दिमाग में फिट क्या करना है, वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लॉग वाई इंटू एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लॉग वाई। ये अगर जिस ऑप्शन में दिखेगा उसी को कॉन्सेंट्रेट करो, समझो 4 में से सिर्फ 2 ही ऑप्शन में ये टर्म दिख रही है तो बचे हुए 2 ऑप्शंस खत्म, तो इनमें से सिर्फ यहाँ की टर्म चेक करके आंसर मार्क कर देना है, दैट्स इट।
सो एमसीक्यूज को कैसे डील करना है मेरे हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है क्लास, ये सब क्या चल रहा है, आपको टेक्निक पता है इसको कैसे सॉल्व करने का, बट वो जो टेक्निक है बहुत सारा टाइम ले रही है ना, येस और नो क्लास। हमें तो 15 सेकेंड या 20 सेकेंड में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिससे फ़ायदा क्या होगा, जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे तो ये जो बचा हुआ टाइम है वो हम वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, स्पेशली फिजिक्स वाले सेक्शन में, फिजिक्स के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है हमें, तो मैथ्स का ये टाइम अगर हमारा कुछ बचता है तो वो हम वहाँ पे यूटिलाइज कर लेंगे। इज़ दैट क्लियर टू यू? या कोनिक्स वगैरह के कुछ क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेते, तो ये टाइम जो बचेगा वो वहाँ पे यूटिलाइज कर लेंगे। इज़ दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? ओके, सो ट्रिक नंबर वन अच्छी तरह से समझा क्या, ए इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन सी इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस डी, तो उसके लिए सीधा आंसर क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ दिस थिंग इंटू एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सेकेंड ट्रिक क्या था, एफ ऑफ एक्स रेस टू एफ ऑफ एक्स रेस टू एफ ऑफ एक्स अप टू इन्फिनिटी, ऐसा कभी भी दिखेगा तो हम सीधा डी वाई बाई डी एक्स का आंसर क्या लिखेंगे क्लास, वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस लॉग ऑफ वाई, वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस लॉग ऑफ वाई होल इंटू एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। अगर ऑप्शन इस फॉर्मेट में नहीं होगा तो वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस वाई इंटू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स होल इंटू एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। तो मेरे हर एक बच्चे को ये दो ट्रिक समझ में आ चुकी है। अब थर्ड ट्रिक देखो क्लास, ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है यार, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, स्टेट बोर्ड में कितनी बार ये सब पूछ लिया है। ओके नो, सो यहाँ पे क्या है, रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स प्लस रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स प्लस रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स, ऐसा इनफाइनाइट टाइम। ओके नो, तो इसको भी हम कैसे करते हैं, ये जो ब्रैकेट है इसको y एज्यूम कर लेंगे, बाद में स्क्वेयरिंग कर देंगे एंड देन आ जाएगा ये सो और नो। ओके, वो एक मेथड है जो हमारे स्टेट बोर्ड में हो चुका है यार, हर एक बच्चे को पता है, उसमें कुछ इश्यूज ही नहीं है, ये सो और नो क्लास। बट मुझे और अच्छे तरीके से फास्टेस्ट मैनर में करना है तो मैं क्या करूंगा, देखो क्लास, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन टू वाई माइनस वन, दैट्स इट। अब यहाँ पे देखो हम आंसर निकालेंगे तो आपको मजाक लगेगा ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना, मीन्स यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, लॉग ऑफ एक्स, तो लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स और डिनोमिनेटर में क्या है टू वाई माइनस वन, दैट्स इट, दैट्स इट, हो गया यस yes। और इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, टू कॉस एक्स बट दिस इज नॉट एक्स इंटू इट्स डेरिवेटिव, मतलब माइनस साइन एक्स होल अपॉन टू वाई माइनस वन। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टू साइन एक्स कॉस एक्स इज साइन टू एक्स अलॉन्ग विथ माइनस साइन अपॉन टू वाई माइनस वन, दैट्स इट, हो गया खत्म बॉस। कितना सेकेंड लग रहा है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए मुझे 5 to 10 सेकेंड लगे, अगर आपको ये सब पता है हो गया 2 सेकेंड में आंसर, या सीधा ऑप्शन देख के भी आंसर लिख सकते हो, कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। सो मेरे हर एक बच्चे को ट्रिक नंबर वन, ट्रिक नंबर टू एंड ट्रिक नंबर थ्री अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो चुकी है। अब क्लास नेक्स्ट ट्रिक देखेंगे, ट्रिक नंबर फोर, जो एक्सक्लूसिवली इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे। स्टेट बोर्ड के एक्सरसाइज का कोई भी प्रॉब्लम ले लो क्लास, जो इम्प्लिसिट फंक्शन के बेस्ड होगा उस पर ये ट्रिक बहुत ही बढ़िया तरीके से अप्लाई हो जाएगी एंड आपको फास्टेस्ट मैनर में आंसर मिलना चालू हो जाएगा। ओके नो, देखो क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन की कॉन्सेप्ट पता है आपको, वाई इज इक्वल टू ओनली इन टर्म्स ऑफ एक्स अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। एंड वाई नॉट इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ एक्स, मतलब क्या, वाई इन टर्म्स ऑफ वाई भी हो सकता है एंड ऑल दोस थिंग, तो उसे हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर आपको याद नहीं होगा तो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स वाई, तो इसमें मैं वाई इज इक्वल टू ओनली इन टर्म्स ऑफ एक्स नहीं लिख सकता, सो दिस इज वॉट अवर इम्प्लिसिट फंक्शन। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है? ओके, सो इम्प्लिसिट फंक्शन कभी भी दिखेंगे एंड हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने बोला है तो हमारे पास टेक्निक क्या है, माइनस एफ ऑफ एक्स
सॉरी माइनस एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश ऑफ वाई। मतलब क्या मैं बताता हूँ, देखो क्लास, ये एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है ना, तब हम कुछ कंडीशन कंसिडर करेंगे। जो भी गिवन फंक्शन होगा तो उसमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मुझे डेरिवेटिव निकालना है, तब जो वाई के टर्म्स होंगे उसे कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करो। सो एफ डैश ऑफ एक्स निकालना, दैट इज वॉट टेक डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाय कीपिंग y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो उससे जो भी आंसर मिलेगा दैट इज वॉट अवर न्यूमरेटर। एंड एफ डैश ऑफ y कैसे निकालेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेना है तो x को हमें कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करना होगा। इज दैट क्लियर टू यू? सो एफ डैश ऑफ y कैसे निकालेंगे, टेक डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y बाय कीपिंग x इज कॉन्स्टेंट। अभी देखो, किसी किसी बच्चों को नहीं समझ में आया होगा तो मैं प्रॉब्लम में आपको एक्सप्लेन करता हूँ ना क्या एग्जैक्टली क्या करना है। सो यहाँ पे देखो, एक फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस टू एक्स वाई प्लस साइन वाई माइनस 100 इज इक्वल टू जीरो। सो इसका आंसर मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा, माइनस एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब वाई को मुझे कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करना है, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। वाई क्यूब कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, 2y कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, तो प्लस 2y आ जाएगा, यस और नो? साइन y कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0, 100 भी कांस्टेंट है तो 0, तो न्यूमरेटर में क्या बचा, 3x स्क्वायर प्लस 2y। अब अपॉन में क्या है, f डैश ऑफ y, मतलब क्या विथ रिस्पेक्ट टू y चाहिए व्हेन x इज कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है तो ये 0, y क्यूब का क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस, अब 2x कांस्टेंट है तो y का डेरिवेटिव 1, तो ये 2x आ जाएगा, साइन y का क्या हो जाएगा cos y, यस और नो? सो दिस इज व्हाट अवर फाइनल आंसर, दैट्स इट। कितना सिंपल हो चुका है, देखो मन ही मन में भी आप कर सकते हो एंड ऑप्शन को चेक करके डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? देखो यार, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हम कितना टाइम पास करते हैं, येस और नो क्लास, बेस्ट मेथड। और ऑप्शन भी इसी फॉर्मेट में होगा, दैट्स फॉर श्योर, ओके नो? अब देखो, बचे हुए भी क्वेश्चंस को हम डील कर देंगे, कैसे करना है देखो। साइन एक्स वाई माइनस एक्स वाई क्यूब प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू जीरो, तो फिर से हम क्या बोलेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स, तब वाई को मुझे कॉन्स्टेंट की तरह डील करना है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स वाई, वाई कॉन्स्टेंट है, साइन टू एक्स का क्या आता था, टू टाइम्स कॉस टू एक्स, यस और नो? तो साइन का कॉस आ जाएगा कॉस एक्स वाई, बट दिस इज नॉट एक्स, सो इन टू इट्स डेरिवेटिव तो वाई आ जाएगा, यस और नो क्लास? माइनस वाई को हमें कॉन्स्टेंट की तरह, तो वाई क्यूब कॉन्स्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, तो ये हो गया हमारा टोटल न्यूमरेटर। अपॉन डिनोमिनेटर में क्या, एफ डैश ऑफ वाई, मतलब वाई को वाई के साथ हमें विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेना है, तो एक्स को हमें कांस्टेंट, तो यहाँ पे एक्स कांस्टेंट होगा तो क्या मिल जाएगा, एक्स कॉस एक्स वाई, एक्स कांस्टेंट है तो ये क्या, एक्स वैसे ही रहेगा, और वाई क्यूब का थ्री वाई स्क्वायर प्लस फाइव, सो दिस इज वॉट अवर डिनोमिनेटर, दैट्स इट। देखो यार, कितना भी बल्कि क्वेश्चन क्यों ना हो, ये तो वन स्टेप में आंसर देगा आपको, इज दैट क्लियर टू यू? सो मुझे आपको बार बार क्या बताना है, ऑप्शन को अच्छी तरह से रीड करो, और ऐसा कॉमन पैटर्न कहाँ पे दिख रहा है, दैट्स इट, उसी ऑप्शन के ऊपर फोकस करो, नो नीड टू कैलकुलेट, इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? ओके, नेक्स्ट, x रेस टू p y रेस टू q इज इक्वल टू x प्लस y होल रेस टू p प्लस q। अब ये सब मैं पूरा सॉल्व नहीं करता, बट हमें पता है कि यहाँ पे हम log अप्लाई कर देंगे, log अप्लाई करने के बाद ऐसे ही दिखेगा। अब ना ये इम्प्लिसिट फंक्शन जैसा ही एक्ट होगा, और हम ये फॉर्मूला यहाँ पे डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, आपको सिर्फ यहाँ पे ये जो ट्रिक है वो यहाँ पे अप्लाई करके चेक करना है कि आपको आंसर आ रहा है या नहीं। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, स्टेट बोर्ड में कितनी बार आ चुका है, हर साल ऐसे टाइप का एक हाथ क्वेश्चन तो आ ही जाता है। यहाँ पे पी है, क्यू है, नॉर्मली बोर्ड में एम और एन ये वेरिएबल यूज करते, दैट्स इट।
तो कोई फर्क नहीं है यार, डिक्टो डिक्टो सेम बहुत बार आ चुका है। सो मेरे हर एक बच्चे को ये टेक्निक, ये ट्रिक अच्छी तरह से समझ चुकी है। सो हमने ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 3 और अभी ट्रिक नंबर 4 क्रैक कर लिया है। अब ट्रिक नंबर 5 की तरफ बढ़ लेते हैं क्लास। ट्रिक नंबर 5 जेन्युइन है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आता है फंक्शन रेस टू फंक्शन लॉग वाले सम, यस और नो? आपको स्टेट बोर्ड में यही सिखाया था ना, फंक्शन रेस टू फंक्शन कभी भी दिखेगा तो लॉग ले लो। यहाँ पे ये सब नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट फॉर्मूला बना देंगे। देखो क्या है, एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स, ऐसा कभी भी दिखेगा तो डायरेक्टली आंसर मुझे क्या लिखना है क्लास, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो भी गिवन क्वेश्चन है उसे वैसे के वैसे ही लिख दिया होल इनटू, अभी प्यार से देखो प्लीज, जो रेस टू में फंक्शन है दैट अपॉन f ऑफ x, तो g ऑफ x अपॉन f ऑफ x, दिस इनटू डेरिवेटिव ऑफ f डैश ऑफ x प्लस g डैश ऑफ x इनटू लॉग ऑफ f ऑफ x। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है याद रखने के लिए, तो थोड़ा 10 बार लिख के प्रैक्टिस कर लो एंड 10 एक क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लोगे तो फटाक से ये दिमाग में फिट हो जाएगा। फिर से एक बार, एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स दिया होगा तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो है वैसे के वैसे ही लिख दिया होल इनटू जो पावर वाला फंक्शन है दैट इज व्हाट जी ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इनटू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस जी डैश ऑफ एक्स इनटू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, दैट्स इट। अब देखो ये कितना फास्टेस्ट वे से हमें आंसर देगा, क्योंकि ये बहुत ही बल्की क्वेश्चन हो जाते हैं, हम स्टेट बोर्ड के पैटर्न में अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस हो जाएंगे ये, ओके नो? तो यहाँ पे देखो, ये एफ ऑफ एक्स एक्स है, जी ऑफ एक्स कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स अपॉन एक्स, ओके नो? पहले तो फंक्शन वैसे के वैसे लिख लिया एक्स रेस टू कॉस एक्स, बाद में हमने क्या लिखा कॉस एक्स अपॉन एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, एक्स एफ ऑफ एक्स क्या एक्स, एक्स का डेरिवेटिव वन, तो सबको समझने के लिए यहां पे 1 लिख रहा हूं, log ऑफ x इंटू जी डैश ऑफ x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, दैट्स इट। और ये हो गया हमारा आंसर। इतने फास्टेस्ट वे में आपको पक्का पता है कि नहीं मिल सकता स्टेट बोर्ड वाले मेथड से। सो ये रीचेकिंग के लिए भी कितना काम में आ जाएगा यार। स्टेट बोर्ड में हम 3 या 4 मार्क्स के लिए ऐसे बड़ो बड़ो सम सॉल्व करेंगे एंड हमारा कुछ सिली मिस्टेक से आंसर रॉन्ग आ रहा है, तो ऐसे शॉर्टकट मेथड से आप फाइनल आंसर अच्छी तरह से लिख दो ना यार, क्योंकि स्टेट बोर्ड में आपको फाइनल आंसर अच्छी तरह से आना बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम पेपर चेक करने वाले ज़्यादा कुछ देखते नहीं, लास्ट वाला आंसर करेक्ट है तो ओके ओके कर देते हैं। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? सो ये बेस्ट मेथड है रीचेकिंग का, एंड आंसर करेक्ट होगा तो उसका भी मार्क्स हमें मिलता ही है। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, सो सिमिलर फैशन में ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। चलो मैं कर देता हूँ, एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है, तो पहले वैसे के वैसे ही लिख दिया हमने कॉस 2x रेस टू साइन स्क्वायर x होल इनटू जी ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, कॉस 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस साइन 2x इंटू 2, तो ये माइनस 2 यहां पे लिख दूं चल जाएगा, और बीच में प्लस लॉग ऑफ कॉस 2x इंटू साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 साइन x कॉस x, दैट इज व्हाट साइन 2x। हो गया क्लास, वन स्टेप आंसर। हाँ, वन स्टेप आंसर, तो आपको ऑप्शन के ऊपर पूरा फोकस करना है, उसमें से आपने आधा भी आंसर निकाल दिया एंड ऑप्शन के साथ मैच किया तो आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज व्हाट आंसर, और फटाक से आप एबीसीडी में से जो भी आपको लग रहा है वो आंसर लिख सकते हो। नो नीड टू सॉल्व ईच एंड एवरी स्टेप, ओके नो? अच्छी तरह से समझा? सो इन दिस फैशन हमने ट्रिक नंबर 5 भी कवर कर लिया है, ओके नो? अब ट्रिक नंबर 6, ओके? यहाँ पे बहुत बहुत फेमस है यार ये, एक्स रेस टू एन के टर्म्स में अगर हमें फंक्शन दिया है वाई इज इक्वल टू क्या एक्स रेस टू एन, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, सेकेंड डेरिवेटिव एन इंटू एन माइनस वन एक्स रेस टू एन माइनस टू। आर यू रियली गेटिंग मी? सो सिमिलर फैशन में अगर मुझे आर्थ डेरिवेटिव पूछा
तो वाई आर इज इक्वल टू क्या होगा, एन पी आर एक्स रेस टू एन माइनस आर, क्या क्या क्या, एन पी आर, ये जो टर्म मिल रहा है बेसिकली ये एन पी एन का मिल रहा है, आर यू गेटिंग मी, दिस इज वॉट एन पी टू एन पी वन, तो ये इन जनरल क्या हो गया एन पी आर, अगर आर डेरिवेटिव है तो, सो एन पी आर एक्स रेस टू एन माइनस आर, देखो ना यहाँ पे टू था तो एन माइनस टू था, यहाँ पे वन था तो एन माइनस वन था, तो यहाँ पे आर है तो एन माइनस आर है, क्लियर है? तो ये जनरलाइज फॉर्मूला समझना दिक्कत वाली बात मेरे ख्याल से तो नहीं, बहुत ही सिंपल है, क्लियर है? आप ना ये ट्रिक समझते समय प्लीज़ आप नोट डाउन करो, अदरवाइज ये कुछ नहीं समझेगा, पूरा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा और आपको रिवाइज करने पूछा तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। सो बेटर वे वहाँ पे ही प्रैक्टिस करो, वीडियो को पॉज कर करके, इज दैट क्लियर टू यू? ओके, अब सिमिलरली ये जैसा रिजल्ट है वैसा ही एक रिजल्ट y इज इक्वल टू ये x रेस टू n की जगह पे लीनियर फंक्शन होगा, दैट इज व्हाट ax प्लस b होल रेस टू n होगा, तो क्या होगा, तो प्यार से देखो आर्थ डेरिवेटिव वाई आर इज इक्वल टू जो भी डेरिवेटिव पूछा है, तो ये जो कोएफिशिएंट है सो दैट कोएफिशिएंट रेस टू r, ओके नो, और बाकी सारा सेम चीज एन पी आर, ये जो भी दिया है वो रेस टू एन माइनस आर, तो ये वाली टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगी, दैट इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस, ओके नो, तो ये अगर समझाए तो ये भी समझ में आ जाएगा, बट यहाँ पे ये जो स्टार किया हुआ है वो स्टेप अच्छी तरह से माइंड सेट कर लो क्लास, ओके नो, सो इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन भी देख लेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये वाई इज इक्वल टू हमें दे दिया है, दिस इज वॉट y इज इक्वल टू टू इंटू एक्स रेस टू 17 माइनस एक्स रेस टू एन, यहाँ पे 2 इंटू है मतलब इसका हमें सोचना है ना बेटा, येस और नो, ओके, सो इसका आंसर देखो 2 रेस टू, हमें 10th डेरिवेटिव पूछा है तो 2 रेस टू 10 आ जाएगा, और ये 17 है तो 17p10 एन पी आर, तो 17p10 एक्स रेस टू 17 माइनस 10 इज 7, तो यहाँ पे मैं सीधा 7 लिख दूँ, और ये x रेस टू 9 है क्लास, x रेस टू 9 है, अभी आप देखो एक कॉन्सेप्ट, x स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, बट थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे पावर 2 है और मैंने पूछा थर्ड डेरिवेटिव, तो ये क्या है थर्ड डेरिवेटिव, और ये पावर सिर्फ 2 है तो इसका आंसर ऑलवेज थर्ड डेरिवेटिव 0 ही आएगा, फोर्थ डेरिवेटिव ऑलवेज 0 आएगा, सिमिलर फैशन एक्स रेस टू 9 है और मुझे पूछा क्या 10th डेरिवेटिव, तो ये 9 है ना वो छोटू है ना इससे, तो इसका आंसर ऑलवेज 0 ही आएगा, इज दैट क्लियर टू यू? कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो चुका है, यहाँ पे मैंने 0 क्यों लिखा है, ओके अब इसका आंसर क्या आ जाएगा देखो क्लास, एक्स प्लस बी होल रेस टू एन, तो इसका आंसर क्या, फोर्थ डेरिवेटिव पूछा है तो 2 रेस टू 4 कितना होता है, 2 रेस टू 4 इज 16, देन एन पी आर, तो यहाँ पे n कितना है 10, p r कितना है 4, इंटू 2x प्लस 3 रेस टू n माइनस r, 10 माइनस 4 इज 6, सो दिस इज व्हाट आवर आंसर, दैट्स इट, बहुत सिंपल तरीके से मेरे हर एक बच्चे को ये ट्रिक नंबर 6 भी समझ में आ गई है, तो हमने टोटल 6 ट्रिक अभी तक देख लिया, अब लास्ट वाली एक ट्रिक, दैट्स इट, उसके बाद कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर लेंगे एंड लेक्चर को यहाँ पे ही हम स्टॉप कर देंगे, ओके चलो, आप रेडियो 7th ट्रिक के लिए, या बहुत ही हेवी हो रहा है ट्रिक के ऊपर ट्रिक, ट्रिक के ऊपर ट्रिक, ऐसा नहीं ना हो रहा है, आप लिखो उसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करो, यहाँ पे मैंने लिमिटेड एक हाथ दूसरा क्वेश्चन ही डिस्कस किया, बट आपके पास टेक्स्ट बुक है तो उसमें से सिमिलर पैटर्न वाले जो भी क्वेश्चंस दिखेंगे उसको फटाक से आंसर निकाल के दिखाओ, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा एंड आपको मज़ा भी आ जाएगा और ये जो ट्रिक्स है वो दिमाग में फिट भी हो जाएंगे, इज दैट क्लियर टू यू? ओके अब देखो क्लास 7th ट्रिक क्या है, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, ओके तो इसका मुझे nth डेरिवेटिव निकालना है तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, ये देखो लीनियर है और nth डेरिवेटिव तो a रेस टू n पक्का, साइन ये जो nth डेरिवेटिव है ना तो n टाइम्स पाई बाय टू
प्लस जो कुछ भी है वो, ओके नो। यहां पे सेकेंड डेरिवेटिव होता तो 2 times π/2, मतलब 2 गेट कैंसल, पाई प्लस दिस, और वी नो दैट साइन पाई प्लस थीटा ASTC रूल यहां पे हमें अप्लाई करना होगा। इज दैट क्लियर टू यू? ASTC रूल में से अकॉर्डिंग टू प्लस माइनस साइन वो सब भी देखना होगा एंड हमें फाइनल आंसर निकालना होगा। मेरे हर एक बच्चे को समझा मैंने क्या बताया? अगर यहां पे कॉस होता तो क्या हो जाता था? कॉस एक्स प्लस बी, तो ए रेस टू एन कॉस ऑफ एन पाई बाई टू प्लस जो कुछ भी है वो। यहां पे भी सेम ASTC रूल मेरे हर एक बच्चे को 11 स्टैंडर्ड में अच्छी तरह से समझ में आ चुका था, उसे सिर्फ अप्लाई करना है। तो किसी को नहीं समझ में आ रहा तो हम यहां पे एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाते हैं। साइन ऑफ एक्स प्लस बी, ऐसे ही फॉर्मूला दी दी है, यस और नो? तो ये फॉर्मूला यूटिलाइज होगा। फिफ्थ एन की वैल्यू क्या, 5 बोला है, तो फिफ्थ डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो 2 raised to 5 is 32, साइन ऑफ 5 times π/2 प्लस 2x plus 3। अब 5 times π/2 ASTC रूल अगर आपको पता है तो ऐसा मैंने डायग्राम निकाला था, यस और नो? ये पाई बाई टू, ये 2π/2, ये 3π/2, ये 4π/2, ये 5π/2। 5π/2 मतलब चेंज या नो चेंज? तो चेंज, तो साइन का चेंज क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, यस और नो? बट देखो प्लस थीटा है मतलब यहां पे, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। सो दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर, Wi-Fi इज इक्वल टू साइन 32 टाइम्स कॉस 2x plus 3। अगर ये अगर हमें कॉस पूछा होता तो क्या होता था? यहां पे कॉस आ जाता था, यस और नो क्लास? एंड यहां पे देखो चेंज होगा तो कॉस का चेंज साइन होगा, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो आंसर क्या बन जाएगा क्लास? -32 sin of this। आर यू गेटिंग मी क्लास? तो साइन होगा तो क्या हो गया, समझ में आ गया, एंड कॉस हो गया तो कैसे चेंजेस आ गए वो भी समझ में आ चुके हैं। तो ये सारे टेक्निक्स होपफुली आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझे एंड आपने एंजॉय भी किए होंगे। ये और एंजॉय कब करोगे? जब आप टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स इन ट्रिक्स के साथ फटाक से सॉल्व करोगे तो आपको और अच्छा लगेगा। एक क्वेश्चन और डिस्कस करना चाहता हूं, देखो क्लास। y इज इक्वल टू साइन एक्स होल रेस टू एक्स है प्लस कॉस एक्स होल रेस टू टेन एक्स है, मतलब ये y1 जैसा ट्रीट हो जाएगा और ये y2 जैसा ट्रीट हो जाएगा। आर यू रियली गेटिंग मी? तो ये y1 का सेपरेट डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हो? ट्रिक नंबर 5 को यूज कर f(x)g(x). तो ये दिख रहा है फंक्शन रेस टू फंक्शन है, तो इसे हमें यूटिलाइज करना है क्लास सेपरेटली। सेम वे यहां पे भी फंक्शन रेस टू फंक्शन है तो उसे भी यही टेक्निक के साथ हमें सॉल्व करना है एंड सेपरेट आंसर लिख दो एंड यू गेट फाइनल आंसर, दैट्स इट। तो यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैं एग्जैक्टली कौन से मैनर में या कौन सी ट्रिक यहां पे अप्लाई करूं। तो मेरे बच्चों को अभी कंफ्यूजन नहीं होगा, मैंने हर एक टाइप को यहां पे एक्सप्लेन किया, 60 ट्रिक्स अच्छी तरह से समझा है क्लास। क्लास लास्ट में हम कुछ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के प्रॉब्लम्स को देखेंगे, बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के शो दैट वाले प्रॉब्लम्स बिट डिफिकल्ट जाते कंपेयर टू अदर टाइप्स के प्रॉब्लम्स। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे कि बाबा सच में ये बहुत डिफिकल्ट है या कुछ टेक्निक्स यूज करके हमें आंसर आ जाएंगे। सो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत है, कैसे डील करने का समझ में नहीं आता। तो एक बार प्यार से देखो एंड आपको आना स्टार्ट हो जाएगा, ओके नो? यहाँ पे y इज इक्वल टू x इंटू log ऑफ x अपॉन समथिंग दिया हुआ है और हमें ये प्रूव करना है। तो स्टेप नंबर 1 ऑलवेज क्या होगा, देखो क्लास। हाँ, इस x को हम यहाँ पे लेके गए तो log ऑफ a/b की प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। log ऑफ a/b क्या होता है? log ऑफ a माइनस log ऑफ b। तो देखो फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन हम ट्राई करेंगे, यहाँ पे ईच एंड एवरी स्टेप नहीं दिखाएगी, हम क्या करेंगे सिर्फ आपको कैसे सॉल्व करना है उसके लिए हेल्प करेंगे। तो ये y/x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? log ऑफ x माइनस log ऑफ a प्लस bx। क्लियर है? अब हम
डेरिवेटिव ले लेंगे तो क्या मिलेगा क्लास, u बाय वी, वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस यू इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स, बट दिस इज नॉट एक्स, इंटू इट्स डेरिवेटिव b आ गया. इज दैट क्लियर टू यू? अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, a प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स अपॉन एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स. ओके नो, पक्का? और यहां पे क्या है, ये एक स्क्वायर है जो इंटू हो गया. यस और नो क्लास? क्लियर, एकदम क्लियर हो चुका है. अब यहां पे क्या बचेगा, x इंटू वाई डैश माइनस y, वो यहां पे लेके जाऊंगा या यहां पे ही रखता हूं. सो ये x y डैश माइनस y, एक्स स्क्वायर को यहां पे लेके गया. ये हमारा रिजल्ट नंबर 1 है, जो सिंप्लीफाई करने के बाद कैसे दिखेगा देखो. ये bx bx कैंसिल, x x गेट कैंसिल, तो बचा क्या, दिस इज नथिंग बट a इंटू एक्स, तो एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स. एक्स वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू, ये ऐसे कुछ तो दिखने लगा है क्लास. यस और नो? तो इस रिजल्ट को हम ना सेव करके रखते हैं, बिकॉज क्यों मैं बता रहा हूं, हमें जो प्रूव करना है ना वो यही तो टर्म है, एक्स इंटू वाई डैश माइनस वाई. तो ये टर्म हमें मिल चुका है क्लास. यस, अब हमें प्रूव क्या करना है, एक्स क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डबल डेरिवेटिव लेना होगा. तो इसका डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, यू वी, यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज माइनस वाई का, तो ये तो कैंसिल हो चुका. बाद में इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, यू बाई वी, सो ए प्लस बी एक्स, वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू इज ए माइनस एक्स इंटू, इसका डेरिवेटिव सिर्फ b आ जाएगा, यस और नो, अपॉन a प्लस बी एक्स होल का स्क्वायर. अब यहां से मुझे क्या पता चल रहा है, x इंटू वाई डबल डैश मिला, बट मुझे x क्यूब इंटू वाई डबल डैश चाहिए, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये x क्यूब इंटू वाई डबल डैश इज इक्वल टू, यहां पे क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस ए बी एक्स, और ये माइनस ए बी एक्स, तो ये ए स्क्वायर मिल चुका है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, अपॉन ए प्लस बी एक्स होल का स्क्वायर. अगर ये स्क्वायर और ये स्क्वायर मैंने कॉमनली ऐसे लिख दिया, तो ये टर्म क्या है देखो, इसको हम एक्स वाई डैश माइनस वाई लिख सकते हैं, एक्स वाई डैश माइनस वाई होल का, यही तो हमें प्रूव करना था क्लास. इज दैट क्लियर टू यू? तो ये शो दैट वाला प्रॉब्लम विद डिफिकल्ट था, क्यों, बिकॉज ये y बाय x लेके लॉग वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है, ये अगर हमें क्लिक नहीं होता तो ऐसा इशू आ सकता है. क्लियर है क्लास? पक्का समझा है? अब कोई कोई बच्चे क्या सोचते हैं, dy बाय dx की जगह पे ये वैल्यू पुट कर लेंगे, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे एंड आंसर प्रूव करेंगे. बहुत टाइम जाएगा क्लास, हम अभी ट्वेल्थ में आ चुके हैं यार, CBSE का पढ़ाई करते हैं, स्टेट बोर्ड का पढ़ाई करते हैं, कॉम्पिटिटिव का पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये सब चिंदगिरी नहीं करना है हमें यार. डी वाई बाई डी एक्स फाइन करो, ये फाइन करो, उसकी वैल्यू पुट करो, कब आंसर आएगा, 20 मिनट के बाद, और वो भी करेक्ट आएगा कि नहीं मालूम नहीं. तो ये बेस्ट मेथड है, इसको प्रैक्टिस करो एक दो बार, बिना देख के आ रहा है कि नहीं एक बार चेक कर लो एंड आगे बढ़ो. इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है देखो क्लास. अब ये दिखने में बड़ो बड़ो प्रॉब्लम है, यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, आगे के प्रॉब्लम्स आराम से आने वाले. एफ ऑफ एक्स इज एक्स रेस टू एन, देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ वन माइनस एफ डैश ऑफ वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एफ डैश ऑफ टू अपॉन टू फैक्टोरियल, ऐसे पूछ रहे. ओके, हम एक काम करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन है ना, तो हम n की वैल्यू कुछ तो पुट कर सकते हैं ना क्लास. सो n की वैल्यू अगर मैंने 2 पुट कर ली तो क्या मिलेगा, पहले तो मैं f ऑफ x इज इक्वल टू x रेस टू n है, तो f डैश ऑफ x क्या होगा वो लिख देता हूँ, n इंटू x रेस टू n माइनस 1. f डबल डैश ऑफ x क्या आएगा क्लास, n इंटू n माइनस 1 इंटू x रेस टू n माइनस 2. आर यू रियली गेटिंग मी?
पक्का समझा? अब यहाँ पे x की जगह पे 1 वैल्यू अगर मैंने पुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, f डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू n, f डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1, ऐसे कुछ तो दिख रहा है क्लास, यस और नो? तो इनको यहाँ पे पुट करेंगे तो व्हाट वी गेट, f ऑफ 1 की जगह पे 1, देन f डैश ऑफ 1 की जगह पे n अपॉन 1 फैक्टोरियल, प्लस f डैश ऑफ 1, f डबल डैश ऑफ 1 की जगह पे क्या मिल जाएगा क्लास, ये f डबल डैश ऑफ 1 है, n इंटू n माइनस 1, तो n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये प्लस, ऐसे ऐसे करते करते हमें वैल्यूज लास्ट में क्या मिलेगा क्लास, जब nth डेरिवेटिव निकालेंगे तो n माइनस n क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, येस और नो क्लास, इज दैट क्लियर टू यू? तो ये अच्छी तरह से मेरे बच्चे को समझ में आ रहा है। अगर हमने n की वैल्यू कुछ भी 3 वैल्यू पुट कर ली, 3, 4 जो भी आपको पसंद है, तो हमें क्या मिल जाएगा क्लास, 1 माइनस 4 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 4 इंटू 3 इज 12 अपॉन 2 फैक्टोरियल, यस और नो क्लास, माइनस 4 इंटू 3 कितना होता है 12 इंटू 2 24 अपॉन 3 फैक्टोरियल, यस और नो क्लास, और लास्ट वाली टर्म क्या आ जाएगी, माइनस 1 रेस टू 4 इज प्लस आ जाएगी, और f रेस टू n, तो फोर्थ डेरिवेटिव क्या आने वाला है क्लास, x रेस टू 4 का फोर्थ डेरिवेटिव, यहाँ पे देखो ना 4 इंटू ऐसे आ जाएगा 3, बाद में ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 12 x का स्क्वायर, बाद में थर्ड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव 24x, तो लास्ट में 24 आने वाला है फोर्थ डेरिवेटिव अपॉन 4 फैक्टोरियल, सो 24 अपॉन 4 फैक्टोरियल, इज दैट क्लियर टू यू? तो इसकी वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, 1 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 4 प्लस 1, तो ये माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8, 6 प्लस 1 प्लस 1 इज 8, आंसर क्या आ रहा है 0। तो देखो हमने कितने सिंपल फैशन में आंसर निकाला, हमने कोई कॉम्प्लिकेटेड बाइनोमियल एक्सपेंशन है ऐसा है वैसा ये सारा कुछ भी चीज़ हमने अप्लाई नहीं किया, हमने सिर्फ जो भी रिजल्ट्स था उसमें वैल्यू पुट किया एंड n की एक वैल्यू एज्यूम कर ली, मैंने यहाँ पे 4 एज्यूम कर लिया, आप 3 एज्यूम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा? तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है वो अच्छी तरह से समझा, हमें बेसिक बाइनोमियल का ही एक्चुअली सम है बट वो नहीं भी पता है तो भी हम सब्स्टिट्यूट करके आराम से आंसर निकाल सकते हैं, क्लियर है? अब थर्ड क्वेश्चन को प्लीज फोकस कर लो क्लास, क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल रेस टू m, देन 2mth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y, ओके कोई इशू नहीं है, हम पहले y इज इक्वल टू लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल रेस टू m, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, m इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल रेस टू m माइनस 1, यस और नो? अब मैं क्या करता हूँ, m की पहले वैल्यू एज्यूम कर लेता हूँ, तो मैंने m की वैल्यू एज्यूम कर ली 2, ओके तो ये क्या हो जाएगा 2, या मैं इसको ऐसे एक्सपांड कर लूँ तो क्या मिल जाएगा x रेस टू 4, y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा क्लास, x रेस टू 4 माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, चलेगा? अरे एक्सपांशन ऐसे ही होगा ना, अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल देता हूँ तो क्या मिल जाएगा 4x क्यूब माइनस 6x, डबल डेरिवेटिव निकाल दूँ तो क्या मिल जाएगा क्लास 12x स्क्वायर माइनस 6, यस पक्का? हमें पूछा क्या है, m की वैल्यू क्या थी, हमने ले ली थी 2, तो फोर्थ डेरिवेटिव तक हमें देखना पड़ेगा यस और नो, तो क्योंकि हमें 2mth डेरिवेटिव निकालना है ना, 2mth,
तो m की वैल्यू 2 थी, तो 2 इंटू 2 4, फोर्थ डेरिवेटिव, तो थर्ड क्या आ जाएगा 24x, और फोर्थ क्या आ जाएगा 24। इज दैट क्लियर टू यू? ये समझ में आ चुका है। अब मैं m की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, तो 1 ले लिया तो क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो dy वाई बाई डी एक्स वाई डैश क्या हो जाएगा 2x, और y डबल डैश क्या होगा 2। तो ये 2m की वैल्यू है ना, ये भी 2m की वैल्यू है ना, तो ऑप्शन आप चेक कर लो, आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा। ये 2 इंटू 2 4, तो ये 4 और ये 24 में रिलेशन क्या है, 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, दैट इज व्हाट, m की वैल्यू 2 थी तो 2m का फैक्टोरियल मुझे आंसर मिला। यहाँ पे m की वैल्यू 1 थी, तो 1 इंटू 2 कितना होता है 2, और 2 का फैक्टोरियल बेसिकली 2 होगा, तो मुझे जनरलाइज आंसर क्या मिल गया 2m फैक्टोरियल। यहाँ पे हमने ऑप्शन आपको नहीं दिए, ऑप्शन में आपको 2m फैक्टोरियल दिखेगा, तो आप सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये पैटर्न दिखना चालू हो जाएगा एंड यू गेट योर आंसर। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझाया क्लास? ओके, देन फोर्थ क्वेश्चन देखो क्लास, y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन x, देन प्रूव दैट दिस थिंग। ये भी बहुत सिंपल है, y इज इक्वल टू क्या है, साइन ऑफ साइन x। तो आप पहले वीडियो को पॉज करके यहाँ पे ट्राई भी कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने सॉल्व करने के बाद ही आपको समझना चाहिए, आप पहले भी ट्राई कर सकते हो। y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन x, तो यहाँ पे हमें y डबल डैश और y डैश ऐसे कुछ तो टर्म दिख रहे, ओके, y डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन का cos, बट दिस इज नॉट x, सो इन टू इट्स डेरिवेटिव cos x। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है क्लास? यस। अब y डबल डैश निकालने से पहले कुछ टेक्निक यूज कर सकते क्या? देखो हमें प्रूव क्या करना है, y डबल डैश सिंगल टर्म चाहिए एंड यहाँ पे tan x और cos स्क्वायर x ऐसे टर्म चाहिए, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप यहाँ पे uv रूल अप्लाई करके डबल डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो, तो हम वैसे कर लेंगे। y डबल डैश इज इक्वल टू क्या, u इंटू v, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x, बरोबर है, प्लस v इंटू cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, बट दिस इज नॉट एक्स इन टू इट्स डेरिवेटिव, इट्स कॉस स्क्वायर एक्स। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? ये अच्छी तरह से समझा है। अभी देखो क्लास, ये माइनस साइन ऑफ साइन एक्स को मैं वाई भी लिख सकता हूँ, तो हमें क्या प्रूव करना है एक बार फिर से देख लेते हैं। वाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये y आने वाला है, cos square x भी आ चुका है, और ये इस साइड आ जाएगा तो प्लस भी हो जाएगा, तो ये y डबल डैश, इसको मैंने y माइनस y इंटू cos square x यहाँ पे आ गया, तो प्लस y इंटू cos square x। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है। ओके, अब y डैश में देखो ना क्या है, cos ऑफ sin x, cos ऑफ sin x दिख रहा है, तो ये y डैश अपॉन cos x में कर सकता हूँ, येस और नो क्लास? इस चीज को मैं y डैश अपॉन cos x, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी तो क्या मिल जाएगा, प्लस, ये माइनस है तो यहाँ पे आके प्लस cos x, cos ऑफ sin x को मैं y डैश अपॉन cos x पुट कर रहा हूँ, और यहाँ पे sin x है, sin अपॉन cos क्या होता है tan, तो मैं सीधा यहाँ पे क्या लिख दूँ, tan ऑफ x लिख दूँ क्लास, इज इक्वल टू जीरो। मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को यही प्रूव करना था, वाई डबल डैश प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई डैश इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। देखो बहुत सिंपल होते जा रहा है। ओके, देन एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा, पैरामेट्रिक फॉर्म है। पहले हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स अगर फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा पहले फाइंड कर लूंगा, बाद में डबल डेरिवेटिव एंड सिमिलर फैशन ट्रिपल डेरिवेटिव। आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाता है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आंसर क्या आ रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो यार। इज दैट क्लियर टू यू? देन लास्ट वाला समय, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस साइन वाई इज इक्वल टू फोर, देन
वैल्यू ऑफ वाई डबल डैश एट माइनस टू कॉमा जीरो। कोई गल नहीं है क्लास, हम सिंपल डेरिवेटिव लेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y y डैश प्लस साइन का क्या आ जाएगा, cos y इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे माइनस टू कॉमा जीरो, तो ये माइनस टू मतलब माइनस फोर हो जाएगा, ये जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो हो जाए, अरे बोलो। एंड cos y, cos जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी क्लास, cos जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे साइन y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos y, बट दिस इज नॉट x इंटू इट्स डेरिवेटिव, यस और नो। सो ये टर्म में y है तो y की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो जीरो मिल गया, cos जीरो की वैल्यू वन, तो ये y डैश इज इक्वल टू जीरो, यहां से मुझे मिल गया y डैश इज इक्वल टू फोर। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम हायर ऑर्डर में जहां कहां y डैश दिखेगा वहां पे सिंपली फोर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? बाद में इसका फिर से डेरिवेटिव निकालो तो आपको y डबल डैश और लास्ट में उसमें वैल्यू पुट करके आप आंसर आराम से निकाल सकते हो क्लास। यहाँ पे मुझे कुछ करने की जरूरत मेरे ख्याल से तो नहीं है, ओके नो? तो आंसर प्यार से निकाल के मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दो। तो इन दिस फैशन मैंने आपको 7 ट्रिक्स अच्छी तरह से बता दिया, 7 ट्रिक्स एंड कुछ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के प्रॉब्लम्स जो शायद से आपको दिक्कत कर सकते थे, ओके नो? थोड़ा डिफिकल्टी था यहाँ पे, ये देख के कुछ बच्चे डर सकते हैं। यहाँ पे 2mth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करना है, वो थोड़ा सा देख लिया तो कोई कोई बच्चे टेंशन में आ सकते हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे एंड ऑल। बाद में यहाँ पे भी tan x कैसे लाएंगे वो पता नहीं चलता फटाक से, तो वो भी टेक्निक मैंने अच्छी तरह से बता दी है, यस और नो क्लास। और लास्ट वाले प्रॉब्लम में पहले y डैश की वैल्यू कैसे फाइंड कर ली वो बता दिया, एंड देन डबल डेरिवेटिव लेके आपको आराम से आंसर आ जाएगा। तो मैक्सिमम टाइप्स के प्रॉब्लम्स जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के हैं अदर देन अवर टेक्स्ट बुक, वो अच्छी तरह से कवर कर लिए। मेरे हर एक बच्चे को आज का लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको आपके फ्रेंड्स को मैक्सिमम तरीके से शेयर कर दो क्लास। हर एक बच्चों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, सो दैट इज़ व्हाट माय रिक्वेस्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।